चलिए जानते हैं आज का इतिहास। 13 दिसंबर 13 दिसंबर 2012 में नेतिहीन T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 30 रनों से हराकर विश्व विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया था। आज ही के दिन 2007 13 दिसंबर श्रीलंकाई सेना एवं लिट्टे के मध्य हुए संघर्ष में 17 लिट्टे उग्रवादी मारे गए थे। आज ही के दिन 13 दिसंबर 2006 में 150वें सदस्य के रूप में वियतनाम को शामिल करने हेतु विश्व व्यापार का संगठन द्वारा अधिसूचना जारी किया गया था। आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 में दिल्ली स्थित भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। आज ही के दिन 13 दिसंबर 1998 में महात्मा रामचंद्र वीर को कोलकाता के बड़े बाजार लाइब्रेरी की ओर से भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार राष्ट्र सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन 13 दिसंबर 1996 में कॉफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव चुने गए थे। आज ही के दिन 13 दिसंबर 1988 में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को आतंकवादियों के चुंगल से छुड़ाने के बदले 5 कश्मीरी आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया गया था। आज के दिन 13 दिसंबर 1981 में पोलैंड में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा किया गया था। आज के दिन 13 दिसंबर 1974 में माल्टा गणतंत्र बना था। 1961 में मंसूर अली खान पटौदी ने अपना टेस्ट मैच करियर दिल्ली में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू किया था। आज के दिन 13 दिसंबर 1955 में भारत और सोवियत संघ ने पंचशील समझौते को स्वीकार किया था। आज का दिन 13 दिसंबर 1921 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था। आज के दिन 13 दिसंबर 1920 में नीदरलैंड के हैंग में लीग ऑफ नेशन का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित किया गया था। आज के दिन 13 दिसंबर 1772 में नारायण राव 17 के पेशवा बने थे। आज के दिन 13 दिसंबर 1675 में सिख गुरु टेक बहादुर दिल्ली में शहीद हुए थे। फिलहाल खबरों में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे ऑथर न्यूज के साथ। धन्यवाद।